शनिधाम पर पहुंचते हैं लोग और लगती हैं लंबी लंबी कतारें। हम आपको बता दें कि शनिधाम पर पहुंचने वाले उन पीड़ित परिवारों, उन बरसों से असाध्य रोगों से झेलने वाले लोगों, जिनके शरीर में दर्द, हाथ पैरों में, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में, ऐसे कुपित वायु दोष से भी निजात मिलती है इस शनिधाम में, जहाँ पर पूज्य मनु भैया जी का आश्रम सच्चा दरबार है। आइए दर्शन करते हैं न्यायाधीश, न्याय के देवता शनिदेव महाराज की। जय शक्ति। आज सोमवार के दिन विशाल भंडारा शनिधाम पूज्य मनु भैया जी की ओर से, जहां पर भक्त कर रहे हैं प्रसाद ग्रहण। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। और यहाँ आप देख रहे हैं कि पूज्य हर्ष भैया जी लोगों के असाध्य रोगों की चेकिंग कर रहे हैं कि उनको कुपित वायु दोष है, पितृ दोष है या ऊपरी बाधा। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। उनसे पूछो क्या क्या राम पढ़ा, बताओ जी क्या क्या राम पढ़ा। आपका नाम भैया? कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से आए। भेजा तुझे? क्या प्रॉब्लम थी आपको? पहले तो कोई काम नहीं हो रहा था, काम तो सब अटक जा रहा था, क्योंकि पित्तर का दोष है। तो फिर आपसे मेरी कमजोरी, फिर जब यहाँ पर आया तो उसके बाद से पूरा शरीर। कितने समय से था ये? कितने समय से परेशान थे? बहुत दिन। इलाज वगैरह कराए थे? इलाज कराए थे? शनिधाम का पता कैसे लगा, कैसे आए आप शनिधाम? यूट्यूब से देखे। अच्छा, तो कौन सी बार आए इस बार आप? पांचवी बार। अभी कितना आराम है आपको, किस किस चीज में आराम है? अभी तो शरीर, मतलब पहले तो पहला जब आए थे तब शरीर कमजोर हो गया था, फिर आस्ते आस्ते शरीर की थोड़ा रिकवरी हो रहा है। अच्छा, अब आप अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा सा था, बताएं भैया को इस जगह में। जय शनिदेव। कान पकड़ के
से मार रहे, उसको कैसे पीट रहे हैं दोनों हाथों से? एक उल्टा सीधा सोच के गया होगा यहाँ से, मैं तो दुखी कर हुआ नहीं से पीटा। तो पकड़ लिया जाता है कहीं पे भी। जमन भैया जी ने सुना प्रेत के बारे में बड़ी बातें, तो बुला लिया अपने पास।
कैसे पकड़ने लगा, काम कैसे पकड़ने लगा, खड़ा भाई तुम खड़ा, कान छूट नहीं जाना चाहिए, मार दूंगा वरना तुझे। आज से ही शरीर हल्का पड़ जाएगा।